हेलो क्लास केजी फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपके मैथ्स के नोट्स का पेज नंबर 19, 20 एंड 21 थ्री पेजेस हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक आपके पेज नंबर 1 to 18 पर हमने आपके डिजिट 1 to 20 की डिजिट प्रैक्टिस एंड नंबर नेम ऑल्सो नंबर नेम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से की है। पेरेंट्स अगर ध्यान दें, आपकी ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो नंबर 1 to 20 के बीच में होने वाली है। तो अगर बच्चों को 1 से लेकर 20 के नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम है तो फर्स्टली आप उनकी 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दीजिए। अगर काउंटिंग प्रॉब्लम है तो आप रफ कॉपी में रीराइट करवाइए, और बार बार जब आप काउंट और प्रोनाउंस करवाएंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है काउंट द फिगर एंड राइट द नंबर। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको 1 by 1 आप बच्चों से इन्हें काउंट करवाना है, और जो उनका फिगर है, जो यानी करेक्ट नंबर उनका है, वो नंबर यहाँ पर आपको ये जो बोल्ड लेटर्स में आपको जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें आपको राइट करवा कर कम्प्लीट करवाना है। तो फर्स्टली पेरेंट्स ध्यान दें, आप उन्हें डायरेक्ट काउंट कर कर आंसर ना बताएं, ना लिखवाएं। आप फर्स्टली एक एक पिक्चर्स पर फिंगर रखवाते हुए उनसे ये काउंट करवाएं, उसके बाद जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो आंसर आप बच्चों से यहाँ पर लिखवाएं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो यहाँ पर जब वो 14 कहेंगे तो 1, 4, 14 आपको बच्चों से इस बॉक्स में लिखवा कर पूरा करवाना है। एज इट इज़ नेक्स्ट आपको आंट्स, कैट्स, बॉल्स, यहाँ पर ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो 1 by 1 आपको सारे पिक्चर्स बच्चों से ही काउंट करवा कर यहाँ लिखवाना है। और काउंटिंग की प्रैक्टिस के लिए आप घर पर उनके टॉयज थिंग्स या अदर किसी थिंग्स की हेल्प से आप उनकी काउंटिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं। पेज चेंज करिए, पेज चेंज करने पर पेज नंबर 20 पर आपको नेक्स्ट सम दिए हुए हैं, तो काउंट द फिगर एंड सर्कल द करेक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फिगर्स को काउंट करना है। आपको यहाँ पर एवरी पिक्चर आफ्टर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उन 3 ऑप्शन में से जो करेक्ट फिगर है उस पर सर्कल कर कर कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एप्पल्स के पिक्चर दिए हुए हैं, नीचे आपको ऑप्शन में 11, 12 एंड 17 3 डिजिट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, आपने यहाँ नीचे 3 डिजिट्स चेक कर लिया है, आपको ऊपर जो ये पिक्चर्स दिए हुए हैं आपको 1 by 1 ये सारे पिक्चर्स काउंट करना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 12। तो आपको नीचे जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से देखना है कि 12 कौन सा है। पेरेंट्स ध्यान दें कि बच्चों से ही आप ये एक्टिविटी करवाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो 11, 12 एंड 17 में आपके यहाँ पर टोटल पिक्चर्स हमने काउंट किए थे, तो आपका आंसर था 12। तो आपको यहाँ पर इन तीनों डिजिट्स में से पहचान बच्चों से आइडेंटिफाई करवाना है कि 12 डिजिट कौन सा है, और फिर 12 पर उस पर सर्कल लगाते हुए आपको इसे पूरा करना है। एज इट इज़ आपको नेक्स्ट यहाँ पर जितने पिक्चर्स दिए हुए हैं पेरेंट्स को ही ये सारे पिक्चर्स अपने बच्चों के पास बैठकर उन्हें कंप्लीट करवाना है। फर्स्टली आप सारे पिक्चर्स बच्चों से काउंट करवाने वाले हैं, फिर नंबर आइडेंटिफाई करवाते हुए जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर आपको सर्कल लगाकर इसे पूरा करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 21 पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपके आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन नंबर्स दिए हुए हैं फ्रॉम 1 to 20, यानी कि 1 से लेकर 20 के बीच के नंबर्स में ही आपको आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन नंबर्स कंप्लीट करवाने हैं। तो फर्स्टली बच्चों के लिए सबसे इजी होता है आफ्टर नंबर, यानी कि उनकी नॉर्मल काउंटिंग की हेल्प से हम आफ्टर नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आफ्टर नंबर में आप कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, तो फर्स्ट है आपका 12 आफ्टर, तो 12 आफ्टर के लिए आप काउंटिंग करवा सकते हैं। आप 11 से उनसे काउंटिंग करवाइए, 11, 12, 13, जैसे ही वो 13 कहे आपको उन्हें स्टॉप करना है, देन आपको उनसे पूछना है उन्होंने 12 आफ्टर जो डिजिट कहा है उसे उन्हें यहाँ राइट करना है। तो 12 आफ्टर उन्होंने क्या कहा था, 13, तो आपको 13 डिजिट यहाँ पर 1, 3 लिखवा कर उन्हें कंप्लीट करना है। फिर आपको फिर नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 14 आफ्टर, तो 14 आफ्टर के लिए आप 13 से आगे भी उनसे काउंट करा सकते हैं कि 13 आफ्टर, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं
तो आप 11 से काउंट करवाइए, अगर वो 11 से भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 से करवाइए तो वो इजीली कर पाएंगे। तो एज इट इज़ आप जब उन्हें बार बार काउंटिंग करवाएंगे तो उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और वो इजीली इन आधे नंबर्स को भी राइट कर पाएंगे। तो 14 आफ्टर यहाँ पर आपको राइट करवाना है 11, 12, 13, 14, 15, तो 14 आफ्टर 15। इसी तरीके से आपको 16 आफ्टर, 11 आफ्टर, 15 आफ्टर एंड 19 आफ्टर ये सारे नंबर्स की यहाँ पर प्रैक्टिस करवानी है। फिर सेकंड रो में आपको यहाँ पर दिया हुआ है बिफोर नंबर। अब बिफोर नंबर होता है पहले वाला नंबर, तो बिफोर नंबर के लिए आपको रिवर्स काउंटिंग आनी चाहिए। तो फर्स्टली पेरेंट्स बच्चों को रिवर्स काउंटिंग लर्न करवाएं 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 एंड 11। तो जब उनसे यहाँ पर पूछा गया है कि 14 बिफोर, तो जब वो काउंटिंग करेंगे 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, तो 14 का रिवर्स नंबर यहाँ पर आपको राइट करवाना है 13। एज इट इज़ नेक्स्ट नंबर्स जो दिए हुए हैं तो आपको रिवर्स काउंटिंग की हेल्प से बिफोर नंबर यानी कि इनके पहले आने वाला नंबर लिखवा कर पूरा करना है। नेक्स्ट है आपका बिटवीन नंबर्स। तो बिटवीन नंबर के लिए आपको बिटवीन नंबर यानी बीच वाले नंबर के लिए आपको यहाँ पर लिखकर इसे पूरा करना है। तो 11 आफ्टर यहाँ पर आपका क्या होगा 12। फर्स्टली आपको आफ्टर नंबर की हेल्प से कंप्लीट करना है। अगर आफ्टर नंबर ईजी है तो आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर ईजी है तो बिफोर नंबर। तो 11 आफ्टर, तो आप 11 से काउंटिंग करेंगे तो 11 आफ्टर 12, तो आपको यहाँ पर 12, आप 11, 12, 13 काउंटिंग के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही भी है या नहीं। नेक्स्ट 14 आफ्टर, तो 11, 12, 13, 14, 15, आपको यहाँ 15 राइट करना है। एज इट इज़ आपको आफ्टर बिफोर बिटवीन्स के 11 टू 20 नंबर्स के बीच का यहाँ पर दिया हुआ है, तो 11 से 20 नंबर्स के बीच की अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आपको आफ्टर बिफोर बिटवीन दिया हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चों के लिए काउंटिंग उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी।